आ गया, बंद हो गया ना। चलो अच्छा हो, बहुत सब पढ़ाई छोड़ के टिकटॉक पे लगा था क्या? हमको तो बहुत मजा आया है कि नहीं? चलो इसी तरह होते रहे, आप लोगों का भला, भगवान करे पबजी भी बंद हो जाए तो सबका भला हो जाएगा। क्या मालूम है मैं? चलिए टॉपिक पे आते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने दो नंबर का सम बताया था। प्रीवियस क्लास में हमने दो नंबर का सम डिस्प्ले करने बताया था, शो करवाने बताया था, दिखाने के लिए बताया था, जिसमें पांच लाइन हेडर फाइल, इंटीजर में ए मान लिए, बी मान लिए, ए का वैल्यू 20 है, बी का वैल्यू 30 है, सम बराबर ए प्लस बी, जोड़ करके 50 आ गया कहाँ? सम में। डिस्प्ले करवाने के लिए किसका यूज? सी ऑट का यूज। सी ऑट सम इज इक्वल टू, आंसर क्या आ जाएगा? सम इज इक्वल टू सम का वैल्यू, यानी सम इज इक्वल टू सम का वैल्यू क्या? 50। हम दिखाए भी थे कैसे कैसे आंसर आया, सारा बता चुके हैं। फिर इसी में आपको होमवर्क दिया गया था, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले। क्या करवाना है? डिस्प्ले क्या? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अपर दो नंबर का प्रोडक्ट यानी गुणनफल, मल्टीप्लेक्शन डिस्प्ले करवाना है। कितना नंबर? दो नंबर। ए बराबर 3, बी बराबर 5। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन बन गया होगा, नहीं बना चलिए बनाते हैं। कौन हम है ना? कोई भी प्रोग्राम हो, पांच लाइन लिख दिए, इंटीजर में अब दो नंबर है तो दो नंबर ले लिए ए और बी, निकालना क्या है? प्रोडक्ट। तो यहां पे ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हो यहां। क्या ले लिए? प्रोडक्ट। क्या निकालना है? प्रोडक्ट। तो क्या ले लिए? प्रोडक्ट। ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 5, तो ए बराबर यहां लिखेंगे क्या? 3। बी बराबर लिखेंगे क्या? 5। लिख दिए। अब सम इज इक्वल टू के जगह पे यहां पे लिखाएगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज इक्वल टू, और ए प्लस बी के जगह पे ए इंटू बी। बताए थे प्रीवियस क्लास में इनटू का साइन इस प्रकार से, और जहां सम है वहां पे क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। यहां भी क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हो गया, बन गया क्वेश्चन। ध्यान से समझिए, सबसे पहले दो नंबर लिए ए और बी, और क्या निकालना है? प्रोडक्ट। ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 5, प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए इंटू बी, यानी 3 × 5 टोटल कितना आ गया? 15। प्रोडक्ट में कितना स्टोर हो गया? 15। अब प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी ऑट में जो रहेगा वही आंसर आएगा। आंसर डबल क्वार्ट्स के अंदर है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू, इसका आंसर आएगा प्रोडक्ट इज इक्वल टू, आंसर आएगा प्रोडक्ट इज इक्वल टू। और बिना डबल क्वार्ट्स वाला का वैल्यू आएगा, यानी प्रोडक्ट का प्रोग्राम में वैल्यू कितना है? 15। कितना है? 15। इस प्रकार से बनेगा, समझ में आया? बन गया होगा, आपसे रन करवा के देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अब अगले प्रोग्राम की ओर, ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट प्रोग्राम। पहले इसको मिटाते हैं। क्या बड़ा मुस्कुरा रहा है जी, क्या बात है?
चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू डबल क्वार्ट्स के अंदर जो भी लिखेंगे
वही चीज आंसर में चला जाएगा। हम समझाएंगे अभी। अब देखिए, हमने दो नंबर मांगा, यूजर से कितना नंबर मांगा, दो नंबर। इंटर का मतलब लिखना होता है, प्रवेश कर, तो इंटर यानी टू नंबर। कितना नंबर चाहिए, दो नंबर। अब हमको यूजर कितना नंबर देगा, दो नंबर। तो मांगने के लिए किसका यूज, सी ऑट का यूज। अब वो दे कितना नंबर रहा है, दो, तो उसको कहीं तो रखना पड़ेगा ना। अरे भैया वो हमको दो नंबर मांगे, उसको दे दिया, अब दिया है उसको कहीं पे तो रखेंगे, उसके लिए जगह चाहिए। दुनिया में आप कोई भी काम कीजिए, हर चीज के लिए आपको स्पेस चाहिए। कोई भी चीज को कहीं भी रखिए, उसके लिए आपको स्पेस का जरूरत पड़ेगा, जगह का जरूरत पड़ेगा। तो वो हमको दे रहा है कितना नंबर, दो नंबर। तो याद कीजिए, हम रखने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, अपने अंदर जमा करके रखने के लिए यूज करते हैं सी इन का। ध्यान से पढ़ लीजिएगा, सी इन, किसका यूज, सी इन। और सी इन के अंदर हम लिखेंगे एक्स और वाई। देखिए ध्यान से समझिएगा, हमने यहां लिखा इंटर एनी टू नंबर, कितना नंबर मांगा, दो नंबर। इसलिए मांगा क्योंकि यहां क्वेश्चन में नंबर दिया हुआ नहीं है। अब वो दो नंबर दे रहा है, तो दे, जब भी दो नंबर दे रहा है तो रखेंगे कहां, सी इन। रखने का काम कौन करेगा, सी इन। और यहां पहले ही मान चुके हैं कि पहला नंबर एक्स है, दूसरा नंबर वाई है। तो सी इन में हम बता रहे हैं कि पहला नंबर कहां रखेंगे, एक्स में, और दूसरा नंबर वाई में। जितना लिखते जाएंगे ये वाला बंद होते जाएगा, जितना लिखते जाएंगे। यहां x और y था तो दो ही ठो बंद हुआ, और रहता तो और बंद करते। समझ में आ रहा है। अब हमको दो नंबर मिल गया, पहला नंबर किसमें रखा गया, x में। मान रहे हैं नंबर एक्चुअली है नहीं, मान रहे हैं पहला नंबर x में रखा गया और दूसरा नंबर y में। अब हमको निकालना क्या है, सम। तो लिखेंगे सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है जी, दोनों को जोड़ दिए। अब हमको डिस्प्ले करवा देना है सम को, यानी आंसर लाने के लिए सम चाहिए ना, सम को डिस्प्ले करवाना पड़ेगा। क्वेश्चन में डिस्प्ले बोले या ना बोले, आंसर सब किसमें स्टोर है, सम में। तो सम को तो दिखाना पड़ेगा, और दिखाने के लिए सी ऑट का यूज फिर से, सम इज इक्वल टू सम। बन गया प्रॉब्लम। ध्यान से समझिए, प्यार से सुनिए, नफरत नहीं कीजिएगा हमसे। देखिए क्या होगा, राइट अ प्रोग्राम। एक क्या लिखना है, प्रोग्राम लिखना है टू फाइंड सम ऑफ टू नंबर इन सी प्लस प्लस। दो नंबर का सम निकालना है कहां, सी प्लस प्लस में। तो नंबर दिया हुआ नहीं है, पांच ने लिख दिए बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। क्यों लिखे आपको पता हो। अब दो नंबर है तो इंटीजर में एक x मान लिए, एक y मान लिए, तुम कुछ भी मान सकते, निकालना है सम तो क्या मान लिए, सम। अब नंबर यहां दिया हुआ नहीं है, नंबर दिया रहता तो लिख देते, नंबर दिया हुआ नहीं है। तो मांगेंगे यूजर से, तो मांगने के लिए किसका यूज, सी ऑट का यूज। मांग क्या रहे, इंटर एनी टू नंबर, दो नंबर चाहिए। कितना नंबर चाहिए, दो नंबर। अब वो दो नंबर हमको देगा। अब रखने के लिए किसका यूज, सी इन का यूज। किसका यूज, सी इन। पहला नंबर किसमें रख दिए, एक्स में, और दूसरा नंबर वाई में। यानी जो भी चीज देगा, जो भी चीज देगा, हमको पता नहीं कितना देगा, जो भी देगा उसके लिए हम यहां से एक्स में रख दिए पहला नंबर, वाई में रख दिए दूसरा। जैसे गांव में देखते होंगे आप लोग
कि किसी को फोर व्हीलर खरीदना है, वो खरीदा नहीं है, वो पहले से उसके लिए स्पेस बना के रख लेता है, जब घर बनाता है तब। अब वो फोर व्हीलर खरीदेगा कि फोर व्हीलर में फाइव व्हीलर खरीदेगा, पीछे लगा रहता है चक्का, तो फाइव व्हीलर बोल देते उसको, फाइव व्हीलर खरीदेगा या टू व्हीलर खरीदेगा, उसको पता नहीं है। यानी जो भी खरीदेगा उसके लिए पहले से जगह वो बना देता है। तो हम जो भी नंबर मिलेगा, लेकिन दो ही नंबर, एक एक्स में जाएगा और एक वाई में जाएगा, जो भी मिले। अब सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, अब जो भी जोड़ के आया वो स्टोर का हो गया सम में, और इसको डिस्प्ले करवाने के लिए किसका यूज, सी आउट का यूज। सम इज इक्वल टू सम, अब ध्यान दीजिए इसका आंसर क्या आता है। तो देखो सबसे पहले हम बोले आंसर उसी वाला आएगा जो किसके अंदर रहेगा, सी आउट के अंदर, किसके अंदर, सी आउट के अंदर। तो सी ऑट के अंदर लिखा हुआ इंटर एनी टू नंबर, इंटर एनी टू नंबर, पहला आंसर आपका आएगा जब इसको रन करवाइएगा, जब इसको रन करवाइएगा तो हम बोले डबल क्वार्ट्स के अंदर जो भी रहेगा वो आप डबल क्वार्ट्स के अंदर जो भी रहेगा वही चीज आंसर में आ गया। आंसर में क्या आ गया, इंटर एनी टू नंबर। अब आप दो नंबर कोई भी दीजिए, इस प्रोग्राम से फायदा यह होगा, इस प्रोग्राम से फायदा यह होगा कि आप दुनिया का कोई भी दो नंबर को इसमें जोड़ सकते हैं, दो नंबर कोई भी बिना पॉइंट वाला को जोड़ सकते हैं। और अगर पहले से नंबर दिया रहता तो सिर्फ वही जुटेगा, अगर पहले से नंबर दिया है x बराबर 5 और y बराबर 10 तो बार बार जोड़ के 15 ही आएगा, लेकिन इस प्रोग्राम के माध्यम से आप हर बार कोई भी दो नया नंबर ले सकते हैं, कोई भी। अब आपको बोला गया इंटर एनी टू नंबर, आप डाल दिए मान के चलिए 20 और 50, कितना डाल दिए 20 और 50, तो ये कंप्यूटर के अंदर में ही, अंदर दिखेगा नहीं, ये 20 वैल्यू हो जाएगा x का और y का क्या हो जाएगा 50, उसके अंदर ये x दिखेगा नहीं, x और y दिखेगा नहीं, इंटरनली हो जाता है x का वैल्यू कितना 20 और y का वैल्यू 50, क्योंकि दो नंबर जो दिया पहला किसमें रखे x में, तो पहला 20 कहां रखाएगा x में, y में दूसरा रखे यानी 50 कहां रखा गया y। अब sum is equal to x plus y यानी 50 plus 20 यहां कितना हो जाएगा 70, 70 हो गया। अब see out sum is equal to आंसर क्या आएगा, sum is equal to sum, sum का वैल्यू 70। जब आप इस प्रोग्राम को रन करवाइएगा तो आंसर में ये आएगा, पहला बोलेगा इंटर एनी टू नंबर, आपको दो नंबर देना है, आपने दिया 20 और क्या 50, आंसर आपको कितना दिखाया 70। अगर यहां पे आप दे दीजिएगा 5 और 6 आंसर क्या दिखाएगा 11, अगर आप दे दिए 15 और 16 आंसर कितना दिखाएगा 31। जो भी चीज दीजिएगा वो आपको जोड़ करके इस प्रोग्राम के माध्यम से दिखाएगा, समझ में आया। हम अभी इसको रन करवा के कंप्यूटर में दिखाएंगे, इसको हम रन करवा के कंप्यूटर में दिखाएंगे, उससे पहले आपको निकालना है खुद से क्या, क्या निकालना है, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट का मतलब घटाओ, यानी दो नंबर को घटाना है, कोई भी दो नंबर हो सकता है, नंबर उसमें भी दिया हुआ नहीं, सेम इसी के जैसा बनेगा। यहां
तक सेम रहेगा। यहां कोई भी दो नंबर मान लेना, यहां सब्ट्रैक्ट मान लेंगे। इंटर एनी टू नंबर, दो नंबर मांगेंगे, एक रख देंगे x में और एक रख देंगे y में। सब्ट्रैक्ट, सम के जगह पे सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट इज इक्वल टू x माइनस y और सब्ट्रैक्ट इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट। आप ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो हम नेक्स्ट डे बताते ही हैं। चलिए इस प्रोग्राम को हम लेके चलते हैं कंप्यूटर पे और देखते हैं कैसे ये रन करता है और क्या क्या आंसर इसमें आता है। चले और सब बढ़िया ना? चलो मुस्कुराते रहना हमेशा, है ना? कब करोना पकड़ ले किसी को गारंटी नहीं है, है कि नहीं? चलिए ठीक। चलिए सबसे पहले सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको प्रोग्राम लिखना है। मेरे पास पहले से बना बनाया प्रोग्राम है, ध्यान से मिला लीजिए। जो प्रोग्राम अभी हम बोर्ड पे लिखे थे वही प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है। सेम टू सेम वही प्रोग्राम है, यहाँ कहीं भी वैल्यू दिया हुआ नहीं है। चलिए इसको रन करवाते हैं। तो सबसे पहला आंसर आएगा इंटर एनी टू नंबर, तो रन पे क्लिक किए, रन। तो ध्यान दीजिएगा, एक एरर बता दिया, यानी मेरा कहीं कुछ गलती है। गलती कहाँ है अब ध्यान देते हैं। गलती बोल रहा है आपका कि यहाँ पे आपने सम लिया है और सम जो लिए हैं आप वो एक्यूरेट जगह पे है, लेकिन यहाँ देखिए लास्ट में हमने सेमी कॉलन नहीं लगाया है, तो उसको लगा लेते हैं, हम भूल गए थे। अब देखिए रन करवाते हैं, तो रन पे क्लिक किए, रन चला गया। देखिए सबसे पहला आंसर आया इंटर एनी टू नंबर, यानी यहाँ पे हमको दो नंबर लिखना पड़ेगा। मान के चलिए हम यहाँ से लिख देते हैं कितना, 8 और 9। अब 8 और 9 लिख दिए, जैसे इंटर बटन दबाया जाएगा आंसर कितना आ गया, 17। सम इज इक्वल टू 17। तो यही इसी प्रकार का हम आंसर बोर्ड पे बताए थे। आप यहाँ पे अब दूसरा बार अगर हम रन करवाते हैं, ये एक बार हो गया, अगर हम अबर फिर रन करवाते हैं तो अबर हम फिर दूसरा नंबर भी ले सकते हैं। जैसे अबर ले लेते हैं 5 और 9, सम इज इक्वल टू 14। इस तरीके से आप अलग अलग बार अलग अलग नंबर को ले करके जोड़ सकते हैं। तो एक्सेप्ट वाला प्रोग्राम से फ़ायदा यही है कि आप कोई भी नंबर का काम कर सकते हैं, लेकिन अगर दिया रहे नंबर तो सिर्फ वही नंबर का काम होगा और नहीं दिया रहे तो कोई भी नंबर का काम कर सकते हैं। तो आप अलग अलग नंबर लीजिए, रन करवा के देखिए, और जो प्रोग्राम दिए हैं उसको बना करके और उसको भी रन करवा करके देखिए और बनाइए आगे प्रोग्राम। समझ में आया? चलिए मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ। बेस्ट ऑफ लक।